हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की हिंदी रिमझिम का पाठ 10, जिसका नाम है मीठी सारंगी, जो कि एक कहानी है। और इस कहानी में एक सारंगी बजाने वाले की कला का वर्णन किया गया है। वह किस तरह से अपनी कला से बहुत ही मीठी सुरीली सारंगी बजाता है। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं। पाठ 10, मीठी सारंगी। सारंगी संगीत का एक वाद्य यंत्र होता है। एक गाँव में एक सारंगी वाला आया। सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के उसे लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले की जाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। एक बार गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत ही अच्छी बजाता था। जब उसने रात के समय में सारंगी बजाना शुरू की, गाँव के लोग इकट्ठे हो गए, जमा हो गए। सारंगी की जो सुरीली मीठी आवाज थी, सारंगी वाले की जो बजाने की कला थी, ये देखकर गांव के लोग सब दंग। दंग का अर्थ होता है हैरान। गांव के लोग हैरान हो गए। सब लोग कह रहे हैं कि ऐसी मीठी सारंगी है, कितनी अच्छी सुरीली सारंगी है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुँह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। गांव के लोग सब कहने लगे, आहा, कितना आनंद आ रहा है, कि हमें कितना मजा आ रहा है। तो वहीं पास में एक लड़का बैठा हुआ था, जिसका नाम भोला था। हाँ, लोगों की ये सब बातें सुन रहा था। वह अपने मन में सोचने लगा, ये सब लोग तो कह रहे हैं कि सारंगी तो बहुत मीठी है, लेकिन मेरा मुंह तो मीठा हो ही नहीं रहा है। लगता है ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह सोचने लगा कि क्या पता अगर मैं सारंगी वाले के पास बैठ जाऊँ तो क्या पता मेरा मुँह मीठा हो जाए। इसलिए वह गया और सारंगी वाले के नज़दीक में ही बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। जब रात की 3-4 बज चुकी थी, तो सारंगी वाले ने अपना गाना बजाना बंद कर दिया। गांव के सभी लोग क्या कहने लगे कि महाराज, आपकी सारंगी बहुत मीठी है, कि आप जो सारंगी बजा रहे हैं यह बहुत ही सुरीली है, हमें तो बड़ा ही आनंद। आनंद का अर्थ होता है मज़ा। हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आप कृपया करके यहाँ पर 2-4 दिन यहीं रुक जाइए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, मुझे न जाने बात क्यों नहीं आया। भोला ने जब लोगों की बात सुनी कि सारंगी मीठी है मीठी है, बात सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया। झुंझलाने का अर्थ होता है गुस्सा आना, तंग होना। मन ही मन में गुस्सा करने लगा और सोचने लगा, सभी लोग झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, सारंगी जरूर मीठी होगी, लेकिन मुझे न जाने क्यों इसका स्वाद नहीं आ रहा है। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, कारण लोग घर नहीं गए, चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। भोला को चैन कहाँ था, लोग नींद में खराटे लेने लगे। उसने चुपके से उठकर वहाँ सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा, कुछ स्वाद नहीं। तो जब रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस कारण से लोग घर नहीं जा पाए और वहीं चौपाल एक गांव का सभा स्थल होता है, तो रात के कारण लोग वहीं पर सो गए। तो सारंगी वाले ने भी अपनी सारंगी को ढक दिया, उस पर खोली चढ़ा ली और उसे अपने सिरहाने जहाँ पर हम सोते समय सर रखते हैं, तो उसने अपने सिरहाने के नीचे उसको रखकर सो गया।
लेकिन भोला को चैन कहाँ था। भोला तो मन ही मन में बेचैन हो रखा था कि सारंगी कैसी मीठी है, उसे चैन ही नहीं था। तो जब लोग नींद में खरांटे लेने लगे तब वह चुपके से सारंगी के पास गया, उसको उठाया, ने उसका खोल उतारा और उसे जीभ से चाटने लग गया। लेकिन सारंगी तो लकड़ी की बनी होती है, उसे उससे कुछ भी स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया के छेद को मुँह के पास लगाकर मुँह में उड़ेला। सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार ने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। अब वह सारंगी को चाटने लगा तो उसने सारंगी को हिलाना भी शुरू किया, और जो सारंगी का मुहा होता है, छेद का मुहा होता है, उसके उसने अपना मुहा लगाकर उसको मुँह में उड़ेलने लगा। लेकिन सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। सोचने लगा कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं। तंग होने लगा, झुंझलाने लगा कि ये लोग तो सभी बेवकूफ हैं। अब की बार उसने क्या किया कि सारंगी को उठाया और गांव से दूर ले जाकर उसे फेंक दिया। लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। क्या सोच रहा है मन ही मन में कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं जो कह रहे हैं कि सारंगी मीठी है। अपने ही मन ही मन में हंसने लगा। वह अपनी जगह पर आकर चुपचाप से सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तब लोग सारंगी वाला बड़े ही सारंगी वाला ये दुखी तो कहने लगे कि मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। सुबह हुआ और सारंगी वाले को सारंगी नहीं मिली। वह उसे ढूंढने लगे। सभी लोग क्या हो गए, दुखी हो गए कि सारंगी कहाँ खो गई है, पता नहीं उसको कौन ले गया है। भोला इस बात को न सुन सका, गुस्से से बोला, खाक मीठी थी, मैं तो अच्छी तरह चटा था, मैं जरा भी मिठास नहीं थी। सब लोग झूठे हो और बाबाजी की खुशा मत करते हो। उन्हें पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है, लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। गांव वाले कहे थे कि सारंगी कहाँ गई, कहाँ गई, कितनी अच्छी कितनी मीठी सारंगी थी। भोला इस बात को भी सुन नहीं सका और वह गुस्से से बोलने लगा, खाक मीठी थी, मैं तो उसे अच्छी तरह चाटा था, मैं जरा भी मिठास नहीं थी। मैंने तो उसे बहुत अच्छे तरीके से चाटा भी था लेकिन उसमें कुछ भी मीठा नहीं था। सब लोग झूठ बोल रहे हो, यहाँ पर बाबा जी की झूठी खुशामत कर रहे हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? लोग भोला को क्या पूछने लगे, सारंगी है कहाँ? तो उसने क्या कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। भोला ने कहा कि सारंगी तो गांव के बाहर मैंने फेंक दी है। लोग सोचने लगे, भोला कितना बेवकूफ है, क्या सोचा कि सारंगी चाटने से मीठी होगी या फिर से कुछ मीठा रस आ रहा होगा। यहाँ पता नहीं था कि सारंगी की जो धुन है, सुरीली धुन है, हमारे मन को कैसे लग रही थी, कि लग रही थी। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। सारंगी की मिठास, गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर सही निशान लगाओ। सारंगी चखने पर मीठी थी या सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, या फिर सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी? तो इसका सही उत्तर है, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा? तो जब कोई किसी को ऐसी बात कह दे जिससे किसी को बुरा लग जाए या किसी का दिल दुख जाए, उसे कड़वी बात कहते हैं। कहानी से, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? तो भोला ने जब सारंगी को चाट कर देखा तो वह उसे मीठी नहीं लगी, इसलिए उसे लगा कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? तो भोला को सारंगी का स्वाद इसलिए नहीं आया क्योंकि सारंगी लकड़ी की बनी होती है और लकड़ी का कोई स्वाद नहीं होता है। भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? तो भोला ने पहले सारंगी को पूरा चाटा, उसके बाद उसके छेद पर मुँह लगाकर इंतजार करता रहा कि वहाँ से कुछ मीठा रस आए, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। खोल,
सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल टूटने फूटने तथा गंदगी से बचाने के लिए चढ़ाया होगा। और किन किन चीजों पर खोल चढ़ाया जाता है? रजाई गद्दे, सोफे, तबला, गिटार, वीणा, बजाने वाले ड्रम इत्यादि पर खोल चढ़ाए जाते हैं। गाओ बजाओ। रंगी ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, सहनाई, डफली, गिटार, सितार, हारमोनियम। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इसे कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। के नाम सही जगह पर लिखो। तो इसमें है तार वाले, थाप वाले, अन्य। तो तार वाले में हम लिखेंगे सारंगी, सितार, गिटार, इकतारा। थाप वाले में लिखेंगे तबला, ढोलक, डफली। अन्य में लिखेंगे बांसुरी, हारमोनियम, सहनाई। कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखो। इसमें से जो नाम बच गए हैं उन्हें हम अन्य के नीचे भी लिख सकते हैं। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोचकर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में, तो रेलगाड़ी या बस में इकतारा, डफली, बांसुरी। घर पर किसी अवसर पर ढोलक, टार, हारमोनियम। भजन कीर्तन में बांसुरी, हारमोनियम, डफली। स्कूल में किसी अवसर पर ढोलक, बांसुरी, तबला, चटखरे। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीजें अच्छी लगती है? तो हमें चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम, हलवा मीठा लगता है। क्या खाने की चीजें सिर्फ मीठी ही होती है? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? तो खाने की चीजें सिर्फ मीठी नहीं होती है, मीठे के अलावा खट्टा, तीखा, कड़वा इत्यादि स्वाद भी होते हैं। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीजों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। तो इसे हम स्वाद के हिसाब से लगाएंगे। पहले आम, नींबू, आंवला, जलजीरा। दूसरी तरफ लिखेंगे मिर्च का अचार, अदरक, करेला, नमक। अब लिखेंगे हम चीनी, शहद, दूध। नीचे लिखे शब्दों को बोल कर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। अब नीचे दिए गए शब्दों में अनुसार या अनुनासिक लगाओ। चांद, चंदन, मंगलवार, मांगना, सुंदर, सांप। झांसी, झंझट, कंकड़, कांपना, अंधा, आंधी। तो इस तरह से भोला यहाँ नहीं समझ पाया कि सारंगी किस तरह से मीठी है, लेकिन गांव वाले सारंगी वाले की बजाने की कला को देखकर हैरान थे। उन्हें सारंगी से निकलने वाली आवाज बहुत ही मीठी लगी। तो इस तरह से आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।